नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज कक्षा चौथी में श्रवण कौशल्य भाग एक में मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, श्रवण कौशल भाग एक में मैं आपको एक आज कहानी बताने वाली हूँ। हाँ, आप बहुत खुश हो गए, लेकिन इस कहानी को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक श्रवण करना है, क्योंकि इसी कहानी पर आधारित आपके समक्ष पांच प्रश्न हैं। उन पांच प्रश्न के जो उत्तर दिए हैं, लेकिन उन पांच प्रश्नों के सही उत्तर पर आपको सही का निशान लगाना है। तो आप कहानी सुनने को तैयार हैं? हाँ, तो आइए आज कहानी सुनते हैं हम। एक गांव में दो बिल्लियाँ रहती थी। वे आपस में बहुत मिलजुल कर रहती थी और उन्हें जो भी कुछ खाने को मिलता था ना, उसे वे आपस में बांटकर खाया करती थी। एक दिन उन दो बिल्लियों को एक रोटी मिली। अब उन्होंने उसे बराबर बांटते समय बांट दिया, लेकिन अब क्या हुआ, अब बराबर बांटते समय उनमें झगड़ा हो गया। एक बिल्ली कहती कि तुम्हारी रोटी का टुकड़ा बहुत बड़ा है। दूसरी बिल्ली कहती मेरी रोटी का टुकड़ा बड़ा नहीं है। अब जब दोनों आपस में ठीक बंटवारा नहीं कर सकती थी रोटी का, तो दोनों रोटी लेकर एक बंदर के पास जाती हैं और दोनों ने उस बंदर को अपना पंच बनाया कि आप ही निर्णय कीजिए कौन सी रोटी बड़ी है और कौन सी रोटी छोटी है। अब बंदर ने एक तराजू मंगवाया और रोटी के दोनों टुकड़ों को एक एक पलड़े में तराजू के रख दिया। अब तोलते समय बंदर जो है वो क्या करता है, जो टुकड़ा भारी हुआ उसमें से उसने थोड़ी सी रोटी तोड़कर अपने मुंह में डाल ली। उसे तो निर्णय करना था कौन सी रोटी का टुकड़ा बड़ा है और कौन सी रोटी का टुकड़ा छोटा है। अब जो टुकड़ा बड़ा था उसमें से उसने थोड़ा सा तोड़ लिया और अपने मुंह में डाल लिया। अब वह टुकड़ा छोटा हो गया, लेकिन यह क्या, दूसरा टुकड़ा भारी होने लगा। बंदर ने अब उस टुकड़े में से भी थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा तोड़कर खा लिया। इस प्रकार बंदर बारी बारी से दोनों रोटी के टुकड़ों में से थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी रोटी तोड़कर बार बार खाने लगा। जब रोटी का बहुत सा भाग बंदर ने खा लिया और दोनों टुकड़े बहुत ही छोटे छोटे रह गए, तब बिल्लियाँ बहुत घबरा गई। उन्होंने बंदर से कहा, बंदर भैया अब आप कष्ट न करें, हम दोनों आपस में ही बंटवारा कर लेंगे इस रोटी का। बंदर बोला, मैंने इतना परिश्रम किया है, मुझे भी तो इसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। यह कहकर बंदर ने बचे हुए दोनों रोटी के टुकड़े अपने मुंह में भर लिए और हुप हुप करके बिल्लियों को डराकर भगा दिया। दोनों बिल्लियाँ बहुत पछताईं और कहने लगी, आपस की फूट बहुत बुरी है। प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कहानी को आपने बहुत ही ध्यान से सुना। अब आपके सामने पांच प्रश्न दिए हैं। हाँ, अब उन पांच प्रश्नों के सही उत्तर पर आप सही का निशान लगाइए। अब यह कहानी यही समाप्त हो गई है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।